वर्ल्ड फेडरेशन ने सभी संबद्ध राष्ट्र संघों से भारत से संबंध खत्म करने को कहा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWWU ने अपने मातहत सभी राष्ट्रीय संघों से कहा है कि भारतीय कुश्ती संघ WFI के साथ संबंध खत्म करें। उसने हाल में यहां विश्व कप के दौरान पाकिस्तानी निशानेबाजों को वीजा देने से इनकार करने के परिप्रेक्ष्य में यह फैसला किया है। पाकिस्तानी निशानेबाजों को वीजा नहीं देने के कारण अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भविष्य में भारत में वैश्विक आयोजनों की मेजबानी पर रोक लगा दी है। विश्व संस्था ने राष्ट्रीय संघों को लिखे पत्र में कहा, UWW सभी संबद्ध राष्ट्रीय कुश्ती संघों से अनुशंसा करता है कि वे भारतीय कुश्ती संघ से अपने संबंध समाप्त कर दें। WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण और सहायक सचिव विनोद तोमर से इस सिलसिले में संपर्क नहीं हो सका। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले के मद्देनजर भारत ने पाकिस्तानी निशानेबाजों को विश्व कप के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया था। नतीजन IOC ने मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में मिलने वाले दो ओलंपिक कोटे रद्द कर दिए थे। आतंकी हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। पिछले महीने दिल्ली में हुए शूटिंग वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी शूटर्स को वीजा देने से इनकार करने से ओलंपिक की मेजबानी मिलने की भारतीय उम्मीदों को झटका लगा है। IOC ने भारत में ओलंपिक या अन्य किसी वैश्विक खेल प्रतियोगिता के होने पर भी चर्चा स्थगित कर दी है। उसने भारत को किसी भी बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं देने की सिफारिश की है।